बांदा जिले के मजरा पंडेन गांव के किसान रामरुचि की उम्र महज 22 साल थी। फसल की बर्बादी और बढ़ते कर्ज से तंग आकर राम ने 7 अक्टूबर 2021 को आत्महत्या कर ली। बीजेपी का वादा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, मगर आंकड़े बताते हैं कि अगर कुछ बढ़ा है तो वो सिर्फ किसानों की आत्महत्या की घटनाएं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि किसानों और खेत मजदूरों की आत्महत्या रुकने की बजाय बढ़ रही हैं। 2020 के दौरान पूरे देश में कृषि क्षेत्र के 10,677 लोगों ने आत्महत्या की, जो कुल आत्महत्याओं का 7% है। इसमें 5,579 किसान और 5,098 खेतिहर मजदूर थे। रामरुचि ने गांव के साहूकार से 10% ब्याज पर 25,000 रुपए का कर्ज लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाए। बस यही कारण है कि थोड़ा महाजनी कर्जा था। अच्छा, कितना रहा होगा रकम? रकम करीबन 20,000-25,000। जी, फिर इसी वजह से किया है। इसी वजह से जी। फसल वसल कैसी होती है? क्या फसल में कुछ नफा नुकसान भी हुआ है? धान में नुकसान हुआ है। क्या हुआ था? धान जो है नील गाय खा गई और झुरहा पड़ा, पानी नहीं, कम बरसा, इसके कारण धान 5-4 बीघा खराब चला गया। खराब हो गया जी। तो कभी रामरुचि ने आप लोग से बताया कि कर्जा है, परेशान है? जी, ये मालूम है, पिताजी इनके माध्यम से सब होता था। अच्छा, पिताजी के माध्यम जी। और फिर खुदकुशी करने से पहले कभी उसने क्या ज़्यादा परेशान दिख रहा था या कोई बात हुई घर में? घर में कोई बात नहीं हुई जी। अब 25-30 किसान हैं। 25-30 किसानों की क्या स्थिति, थोड़ा उसके बारे में बताइए। किसान तो साहब इतना समस्या है किसान के पास कि किसी तरह से वो अपना जीविका का पैदा करता है, अन्न तो खा लेता है, बाकी उसके पास बड़ी समस्या है। जैसे बताइए। अब जैसे साहब बारिश नहीं हुई, धान की फसल है तो सूख गई, उसमें बहुत लॉस हो गया। डीजल साहब इधर जुताई भी चल रही है तो डीजल महंगा है, उसकी जुताई के लिए कहाँ से मिले उसको, वो बड़ी समस्या है। चलिए किसी तरह से उसने कुछ भी लगा करके अपना अनाज मैंने बो दिया, अब नील गाय है वो खाए जा रहे हैं। रामरुचि के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसने आत्महत्या कर ली? अब मैं तो थोड़ा दूर से हूँ, पर मेरी समझ में वो लड़का परेशान तो रहता था, बाकी घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था उसका। कर्ज की वजह से परेशान? हाँ, उसको टेंशन ही रहता, मेरा पिता बूढ़ा है तो अब वो चल फिर नहीं पाते हैं। अभी आपको बताए हैं कि जैसे कि वहाँ चले गए वो, और वो परेशान रहता था कि कहाँ से जाऊँ, क्या करूँ, क्या करके लाऊँ, तो ये सब जो अपने पास है इसको सब किसी तरह से मैं पूरा कर दूँ, क्योंकि काज किसी के पास रहता है तो परेशान तो रहते हैं। कितने किसानों के पास जैसे गांव होंगे तो कितना किसान क्रेडिट कार्ड या साहूकार से कितना कर्ज हो लोग लिए होंगे, कितने प्रतिशत लोग गाँव में? अब किसान क्रेडिट कार्ड तो मेरी जानकारी में 4-5 लोगों का है, तो जिसमें तो कुछ का तो भर दिए कुछ लोगों का अभी मेरे समझ शेष है, क्योंकि जब बैंक से नोटिस आती है तो थोड़ी जानकारी हो जाती है। अच्छा, बैंक से नोटिस आई है गांव में किसी? जी। कितने लोगों के पास आई होगी नोटिस? अब 3-4 लोग तो मुझे जानकारी है। बांदा जिले के भदेहदु गांव के 25 साल के प्रमोद पटेल ने 5,00,000 रुपए का कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीदा था और उनकी मौत के वक्त 3.5 लाख बकाया था। कर्ज ना चुका पाने से परेशान प्रमोद ने 15 नवंबर को आत्महत्या कर ली। उनकी पत्नी प्रेमा को नहीं पता था कि वो ये कर्ज कैसे चुकाएंगी। लोन क्या पैसा पा रहा है? लोन का हाँ। या जो ट्रैक्टर लाए हैं देखे किस्त पाई रही है, बस यह है सांसमा घबरा के बस यही में फांसी लगा ली नहीं। कितना लोन था उनके ऊपर? वह जानकारी में 3.5 लाख हुई। 3.5 लाख रुपए लोन है हाँ। तो
कभी आपसे बताते थे कि लोन हो गया है, कोई इनको परेशान कर रहा था पैसा अदा करने के लिए? भाई यही शान से माता, लोन जब पारा है तो शान से तो रहा कर, जब पैसा रुपया है नहीं यहाँ भारे कहानी, बस यही से घबरा रहे हैं। इसी से घबरा रहे थे। कभी कोई बैंक वैंक से उनके पास फोन होना आया या कोई आदमी आया पूछने के लिए? जहाँ से ट्रैक्टर उठा के लाए हैं वहाँ आवत रहे। अच्छा, क्या कहते थे वो लोग? भाई किस्त भरा रहे 40,000 भरा रहे 3 महीना में, तो आवर रहे 3 महीना में 40,000 ले तो नहीं भर पा रहे। कर जाकर सोच भूखा गया, घर का बापू का सर भर गया, हम कहा यार खेत बिगड़ ले दो, अब 9 बीघा में खा में खेत बिगड़ तो लड़के नहीं बचाता, बस यही सोच में तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है बाबूजी, थोड़ा बताइए। अब हमारा खर्चा साहब ये कर्जे में चल रहा है। कर्जे से? हाँ, अब हमें 10 रुपया का जरूरत पड़ जाए तो वो चलिए तुम चलिए वो चलिए, बस सरकार कर्ज माफी कर रही है क्या? कुछ कर्ज माफ हुआ आपका? अभी नहीं माफ हुआ कुछ, वह में खबर कुछ नहीं। आपके ऊपर जिम्मेदारी आपकी बहू की है, उसके 3 बच्चे है, तो कैसे निपटाएंगे, कैसे ये सब चलेगा? खेत तो आपकी गिरवी रखे हैं? हाँ, गहन ज्यादा गहन रखे हैं। तो जैसा भगवान करा जैसा हो, हमारा बुद्धि फेल है। कोशिश खेती बाड़ी अभी कर रहे हैं आप लोग? हाँ साहब, आठ नहीं ढंग पा रहा हमारा कुछ हुआ है। हाँ कुछ नहीं पैदावार, हाँ नुकसान ही नुकसान, नुकसान में कुल खखरी हो गया धान। 2020 में आत्महत्या करने वाले 5,579 किसानों में से 5,335 पुरुष थे और 244 महिलाएं थीं, जबकि 5,098 कृषि मजदूरों में 4,621 पुरुष और 477 महिलाओं ने आत्महत्या की। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादे जमीनी स्तर पर खोखले साबित हो रहे हैं।